यूं तो बॉलीवुड की हवाई क्वीन श्रीदेवी को गुजरे हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन उनकी यादें शायद आज भी उनके पति बोनी कपूर को कहीं ना कहीं रोने के लिए मजबूर जरूर करती होगी। इस उम्र में पत्नी के बिना अकेला और तन्हा खुद को महसूस जरूर करते होंगे। खैर एक साल बाद ही सही, लेकिन बोनी ने अपनी पत्नी श्रीदेवी की एक इच्छा पूरी करने वाले हैं। दरअसल खबरें ये है कि बोनी कपूर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म पिंक का तमिल रिमेक बनाने वाले हैं, जिसके लिए विद्या बालन और साउथ फिल्म के सुपरस्टार अजित कुमार को कास्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बोनी कपूर ने बताया, जब श्रीदेवी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश कर रही थी तब उन्होंने कहा कि वे उनकी इच्छा है कि अजीत हमारे होम प्रोडक्शन की एक तमिल फिल्म में काम करे। रिपोर्ट के मुताबिक बोनी कपूर ने कहा है कि श्रीदेवी ने मुझसे कहा था, पिछले साल हमारे प्रोडक्शन हाउस से कुछ भी रोमांचक नहीं आया है। अजीत ने श्रीदेवी को तमिल में पिंक का रिमेक बनाने का सुझाव दिया, वे तुरंत सहमत हो गई। श्रीदेवी को लगा कि यह सबसे उपयुक्त फिल्म है। वे इस फिल्म में विद्या बालन को अजीत के साथ काम करेगी और उनकी भूमिका बहुत खास है। हैदराबाद में फिल्म पिंक के रिमेक की शूटिंग होगी। एच विनोद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। बोनी कपूर बताते हैं कि श्रद्धा श्रीनाथ रंगराज पांडे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अपूर्वा की रिपोर्ट।